जो मन में है वो मांगे। क्या मन में था? प्रेम है। प्रेम मन में था? मुस्कुराहट तो कुछ और बता रही हूँ। कुछ भी और भी है। और भी है मतलब, अगर देखा जाए तो और मतलब है ना। भगवान जी से क्या मांगे, शिव जी से क्या मांगे? क्या बस एक सुंदर वाइफ मांगे, और क्या मांगे। सुंदर वाइफ मांग ली है? एकदम मांग लिया। हाँ, जरूरी नहीं कि सब अपना वर ही मांगे, और सब भोले बाबा जैसे तो नहीं हो सकते हैं। भोले बाबा जैसे नहीं हो सकते? बिल्कुल नहीं। हाँ, तो ये उम्मीद ही ना करें कि भोले बाबा ही मिलेंगे। बस अच्छा कैरियर हो, अच्छा जॉब हो। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, वर के लिए नहीं, भगवान तो वर देंगे ही ना। ऐसा तो नहीं कि कोई अभी रहेगा, लेकिन ये भगवान से मांगा जाता अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, कैरियर के लिए। बताइए शिव जी से क्या मांगा? बहुत कुछ मांगे। बहुत कुछ में क्या मांगे? नमस्कार, मैं हूँ आशी और आप लाइव सीरीज देख रहे हैं। देखिए, आज सावन का सेकंड सोमवार है। फर्स्ट सोमवार को भी हम लोग आए थे और लोगों से बात किए थे, और भीड़ आप देख सकते हैं कि मंदिर में किस तरह से भीड़ लगी हुई है। और बाहर भी आपको दिखाएंगे कि लंबी लाइन लगी हुई है पूजा करने के लिए, क्योंकि सावन का आज सेकंड सोमवार है। तो यहाँ पे भी लोग हैं, इनसे पूछ रहे थे नाम क्या हुआ। पूनम कुमारी। पूजा हो गया? हाँ हो गया, पूजा हो गया कम्प्लीट। हाँ, बताइए शिव जी से मांगी क्या? पूजा कम्प्लीट हो गई। जो मन में है वो मांगे। क्या मन में था? प्रेम है। प्रेम मन में था? चलिए रुके रुके रुके, एक मिनट बस। प्रेम मन में था तो बताइए किसके लिए प्रेम था, ये भी बता दीजिए। मम्मी पापा के लिए। बस मम्मी पापा के लिए? मुस्कुराहट तो कुछ और बता रही हूँ। कुछ भी और भी है। और भी है मतलब, अगर देखा जाए तो और मतलब है ना। तो मांग लिए शिव जी से, ये बताइए। हाँ मांग लिए। तो क्या लगता है शिव जी देंगे जिसको आप मांगे? जरूर मिलेगा। जरूर मिलेगा, तो आधा मिला होगा और आधा बाकी होगा क्या? हाँ, आधा बाकी। चलिए, आधा बाकी है। और यहाँ पे देखिए लोग हैं जो पूजा करते हुए नजर आ रहे हैं, अंकल हैं, आंटी हैं। यहाँ पे लड़कियों का भी भीड़ है, इनसे बात कर ले। पूजा हो गई? हाँ हाँ हो गई, कम्प्लीट हो गई। हाँ हाँ, चलिए बात नहीं करना चाहती है, इस तरफ आ जाते हैं। पूजा हो गई आपकी? हाँ हो गई। अच्छा चलिए ठीक है, बात नहीं करना चाहती है। और यहाँ पे लड़के, पूजा कम्प्लीट हो गया? हाँ हो गया। भगवान जी से क्या मांगे, शिव जी से क्या मांगे? क्या बस एक सुंदर वाइफ मांगे, और क्या मांगे। सुंदर वाइफ मांग लिए है? एकदम मांग लिए है। हमेशा सोमवारी करते हैं? पिछले बार भी किए थे, इस बार भी किए थे। फास्टिंग करते हैं? फास्टिंग नहीं करते हैं। अच्छा, बस पूजा करके मांग लेते हैं। हाँ, बस बस। क्या लगता है शिव जी देंगे सुंदर वाइफ आपको? देना तो पड़ेगा ना। देना पड़ेगा। देखिये, हाँ, और भी लड़कियां। पूजा कम्प्लीट हो गई आपकी की नहीं? हाँ पूजा कम्प्लीट। क्या मांगे शिव जी से? और एक मुराद थी, वो हम लोग मांगे हैं। पूजा हो जाएगा तो, पूरा हो जाएगा तो फिर आएंगे। अच्छा, मुराद थी। कौन सी मुराद बताएंगे? नहीं क्या? नहीं बता सकते। नहीं बता नहीं सकते। और यहाँ पे लड़कियाँ देखिए, अगरबत्ती जलाने की कोशिश में, पूजा कंप्लीट हो गई या बाकी है? हाँ हो गई, कंप्लीट हो गई है। तो फर्स्ट हमारी भी की होंगी? हाँ। फास्टिंग हमेशा करती है? हाँ। तो बताइए शिव जी भोले बाबा से मांगी क्या, ये बता दें। वैसे शायद मांग बताते नहीं है, वरना पूरा नहीं होता है। अच्छा, पूरा नहीं होता, इसीलिए। तभी किस चीज किसके लिए मांगी तो जस्ट ये कि लाइफ में सक्सेस के अकॉर्डिंग, उसके लिए ही। और भी क्या ही मांग सकते हैं अभी के टाइम पे? अभी के टाइम पे और क्या ही मांग सकती है। और यहाँ पे हैं लोग, उनसे भी बात करेंगे कि शिव जी से क्या मांगी। वो IIT का तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें बस सिलेक्शन हो जाए। सिलेक्शन हो जाए? हाँ। कि कैरियर में भगवान जी आपको आशीर्वाद दे, ऐसा मांग रही है? हाँ। चलिए, कैरियर में भगवान जी आशीर्वाद दे, ऐसा मांग रही हैं। और यहाँ पे इस तरह देख रही हैं आंटी, क्या मांगे, विश क्या किए बताइए शिव जी से। कुछ नहीं, क्या मांगेंगे, स्वस्थ रहे, बस कोरोना हट जाए संसार से। पूजा हो गया? हाँ हो गया। चलिए, पूजा कम्प्लीट ऑलमोस्ट हो गया है। और इधर आते हैं, तो आप क्या मांगे शिव जी से, ये बताइए। पढ़ाई और क्या जी? स्टडी रिलेटेड। स्टडी के लिए मांग रही हैं? देखिए, स्टडी के लिए मांग रही हैं शिव जी से। यहाँ पे भी शिव जी के पास लड़कियाँ खड़ी हैं। पहले बताइए शिव जी को मानती कितना है? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा मानती है? तो पूजा अभी शायद कंप्लीट नहीं हुआ है। तो क्या मांगेंगी भोले बाबा से? क्या मांगेंगे, सब कुछ है, मांगने के लिए कुछ है ही नहीं। सब कुछ है? हाँ, बस ऐसे ही पूजा करनी है, मांगेंगे कुछ नहीं? नहीं, मतलब विश कोई नहीं है? नहीं। चलिए, विश कुछ नहीं है। और अंदर आगे बढ़ते हैं, इस तरफ देखिए भीड़ कितनी लगी हुई है। जो लड़कियां हैं, कॉलेज की लड़कियां, और यहां पे हॉस्टल है, तो हॉस्टल की लड़कियां काफ़ी ज़्यादा यहां पे आपको दिखाई देगी। पूजा हो गया कंप्लीट? नहीं नहीं, अभी जस्ट करने ही जा रहा है। अच्छा, तो विश क्या मांगेगा भोले बाबा से, ये बताइए। कुछ नहीं, पढ़ाई का फिलहाल तो बस।
पढ़ाई के लिए? हाँ, जरूरी नहीं कि सब अपना वर ही मांगे और सब भोले बाबा जैसे तो नहीं हो सकते हैं। सब भोले बाबा जैसा नहीं हो बिल्कुल सकता। नहीं, हाँ, तो ये उम्मीद ही ना करे कि भोले बाबा ही मिलेंगे। अच्छा, भोले बाबा को उम्मीद नहीं कर सकते यहाँ पे। और लड़कियाँ, उनसे भी बात करेंगे? पूजा कम्प्लीट हो गया क्या? नहीं। शिव जी से क्या मांगेंगे? मुँह छुपा रही, आप बताइए शिव जी से क्या मांगेंगे? आप मुस्कुरा रही हैं उस तरह से। बस पढ़ाई में अच्छे से मन लग जाए। पढ़ाई में बस अच्छे से मन लग जाए और कुछ नहीं मांगेंगे? नहीं। पूजा कंप्लीट हो गया क्या? यस मैम। क्या मांगी शिव जी से? भगवान से जो मांगा जाता है वो बताया नहीं जाता है। अभी? बस कैरियर, फैमिली को लेकर के। कैरियर, फैमिली को लेकर? yes. बहुत लोग बोलते हैं कि वर के लिए पूजा किया जाता है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, वर के लिए नहीं, भगवान तो वर देंगे ही ना, ऐसा तो नहीं कि कोई अभी रहेगा जी। लेकिन ये भगवान से मांगा जाता अपने लिए, अपने फैमिली के लिए, कैरियर के लिए। ऐसा मेन मोटिव नहीं होता कि? नहीं नहीं, वो ऐसा नहीं है। मेन मोटिव कोई नहीं है कि हाँ हमें वर ही चाहिए, बस ये अपने फैमिली के लिए। क्या मांगिए? तो वर नहीं मांगे? आप मांगे कि नहीं? हम भी अपने फैमिली के लिए ही मांगे हैं। अच्छा, वर नहीं मांगे? नहीं, बस फैमिली के लिए। फैमिली के लिए मांग रही हैं। और यहाँ पे हैं, पूजा करने आए हैं लड़के। बताइए, पहले भी फास्टिंग किए थे कि नहीं? अभी हम फास्टिंग नहीं करते। फास्टिंग क्यों करेंगे? अच्छा, बस पूजा करते हैं। पूजा करते हैं, आस्था है। अच्छा, आस्था है, पूजा करते हैं। तो बताइए, पूजा अभी कंप्लीट नहीं हुई लगता है? अभी नहीं हुई है, जा रहे हैं करने। तो शिव जी से क्या विश कीजिएगा, क्या मांगिएगा? क्या मांगेंगे? सब कुछ नहीं मांगते हैं, पूजा पाठ करते हैं। मांग भगवान से मांगा जाता है, उनको जब उनका इच्छा होगा जो देना होगा। अच्छा, वो तो अंतर्यामी है ना, वो तो जी। वो तो हमारी बातों को समझते हैं। प्रार्थना है कि बस पूजा करते। हाँ, बस प्रार्थना करते हैं। ठीक है। और यहाँ पे लाइन में लड़के लगे हैं, बताइए भगवान जी से क्या मांगे? ये बताइए। एग्जाम के लिए मांगे हैं। एग्जाम के लिए? 20 तारीख को मेरा एग्जाम है, पेपर है। अच्छा, हमेशा पूजा करते हैं? हाँ, डेली आते हैं, सावन में डेली। सावन में डेली आते हैं? सावन में डेली। ऐसे तो नॉर्मली नहीं हो पाता, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में उतना शुद्धता नहीं हो पाती है, नहीं आ पाते हैं, लेकिन ऑलमोस्ट टाइम आ जाते। बताइए भगवान जी से क्या मांगे? चलिए, बात नहीं करना चाहते हैं। यहाँ आंटी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे कि आंटी पूजा हो गया कंप्लीट जी? क्या भगवान जी से मांगे? भगवान जी से मांगे कि मेरे बाल बच्चा अच्छे से रहे, नौकरी चाकरी हो जाए। अच्छा, नौकरी सुखी संपन्न रहे, बस सुखी संपन्न रहे। यहाँ लड़कियाँ हैं, इनसे भी बात करेंगे। नाम क्या हुआ? अंजलि। अंजलि, अंजलि। पूजा कम्प्लीट हो गया? हाँ, हो गया। चलिए, बताइए शिव जी से क्या मांगे? बहुत कुछ मांगे। बहुत कुछ में क्या मांगे? अब वो बताया नहीं जाता ना विशेष। अच्छा, कैरियर? अच्छा, कैरियर हो। बोला जाता है कि वर के लिए भरा लड़की और वर के लिए पूजा करते हो, जो लड़के हैं वो अपने दुल्हन के लिए पूजा करते हैं, फास्टिंग भी करते हैं। तो आप फास्टिंग की नहीं है? जी, फास्टिंग की है। फास्टिंग की है, पहले भी की होंगी? हाँ जी। बताइए किसके लिए फास्टिंग कर रही है? सच सच बताइए। बस अच्छा कैरियर हो, अच्छा जॉब हो, बस। मुस्कुराहट कुछ और? अच्छा लाइफ हो, बस यही चाहिए। अच्छा लाइफ, अच्छा लाइफ पार्टनर हो जी, अगर देखा जाए तो। आप बताइए, आप मुझे बता दी? नहीं नहीं, विश मैं विश नहीं बताती अपना। अच्छा, कुछ बताती ही नहीं, नहीं। देखिए यहाँ पे और लड़के हैं, और यहाँ पे लड़के, इनसे बात कर लेते हैं। पूजा कंप्लीट हो गई क्या? हाँ, हो गई हमारी कंप्लीट पूजा। बताइए कि शिव जी से, भोले बाबा से क्या मांगे? बस यही मांगे कि परिवार ठीक रहे हमारा, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान लगा रहे हमारा। बोला जाता है कि जो सावन है और शिव जी का जो पूजा होता है, ठीक है, वो लड़के हैं जो लड़कियां के लिए फास्टिंग रखते हैं, और जो लड़के हैं लड़के के लिए फास्टिंग रखते हैं। क्या अच्छा वर और अच्छा दुल्हन, आप ऐसे किए हैं क्या? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कि हम तो सुबह ही खा लिए। पूजा मन से होना चाहिए ना, तो हम सुबह ही खा लिए उठ के। अच्छा, सुबह खा के आए हैं पूजा करने? चलिए देखिए, सुबह खा के आए हैं पूजा करने। और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, तो पूजा कम्प्लीट हो गई क्या? क्या पूजा कम्प्लीट? यस, हाँ हो गई। हमेशा फास्टिंग करती हैं? नहीं, फास्टिंग नहीं, सिर्फ पूजा करते हैं। अच्छा, पूजा करती हैं जी। तो ये बताइए कि शिव जी से क्या मांगे? शिव जी से बस अच्छे, अपने लिए और सबके लिए अच्छे अच्छे विशेष की, सब लोग अच्छे अच्छे इंसान बने, और अपने माँ बाप को खुश रखे हमेशा, कभी तकलीफ ना दें, और सब कुछ मंगलमय हो। मंगलमय हो, मतलब फैमिली के लिए मांगे, अपने लिए मांगे जी। देखिए पटना की लड़के और लड़कियां क्या बता रहे हैं कि क्या मांगे शिव जी से, क्योंकि आज है सेकंड सोमवार, सावन का सेकंड सोमवार है। तो क्या मांगे आप लोगों ने सबको सुन लिया? तो बस हमारे लाइव सीरीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।